गोंगनाम तालाब कोरिया का पहला प्राकृतिक सौंदर्य वाला तालाब है जो बुयेओगन में स्थित है। चुंगचेउंगनाम दो, इसे 1964 में ऐतिहासिक स्थल संख्या 135 के रूप में नामित किया गया था। सेमगुक्सागी में बैगजे के राजा म्यू 634 के 35वें वर्ष में एक तालाब खोदा गया था। महल के दक्षिण की ओर लगभग 20 री दूर से पानी भरा हुआ था। इसके चारों ओर विलो के पेड़ लगाए गए और बीच में एक द्वीप बनाया गया तालाब, जिसे बैंग जांग सियोन सैन माउंटेन कहा जाता है। एक रिकॉर्ड है कि ये प्रतीक है। इससे पता चलता है कि यह तालाब था बैगजे के राजा म्यू के शासनकाल के दौरान बनाया गया एक महल उद्यान। बागजे से नींव के पत्थर, आधारशिला, टाइल के टुकड़े और कटोरे के टुकड़े तालाब के पूर्व में पहाड़ी पर काल की खुदाई की गई थी, जिससे यह पता चलता है हो सकता है कि पास में कोई दूसरा महल रहा हो। गुंगनाम जी बागजे के राजा म्यू की जन्म कहानी से भी संबंधित है। सेमगुक्सा के अनुसार राजा म्यू की माँ विधवा हो गयी और जीवित रही। सियोल के दक्षिण में एक तालाब के पास एक घर में वह तालाब के पास अकेली रहती थी और ड्रैगन देवता से मिली और उसे एक बेटा हुआ। बच्ची सेउडोंग है, जिसने राजा की तीसरी बेटी राजकुमारी सियोनहवा से शादी की थी। सिला के जिन प्योंग और राजा म्यू, जो राजा बियोप के उत्तराधिकारी थे, जिनका कोई पुत्र नहीं था। कहा जाता है कि यह सेउडोंग है। ये कहानियाँ हमें यह अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करती हैं कि यह एक अलग महल का स्थान था और वह गुंगनाम जी एक गहरे रिश्ते के साथ एक अलग महल का तालाब था बैगजे के राजा के साथ। इसका निर्माण सिला की कृत्रिम झील से लगभग 40 वर्ष पहले किया गया था। वोलजी आहनैप जी और सिला के आहनैप जी के भूदृश्य को भी माना जाता है। गंगनाम जी द्वारा प्रस्तुत बैगजे शैली भूदृश्य से प्रभावित हुए हैं। बुयेओ एक ऐतिहासिक शहर है जहां सोनगुखरी संस्कृति, जो कांस्य युग का प्रतिनिधित्व करता है, लगभग 2500 खिले साल पहले, बाद में बागजे के 26वें राजा सेउंग राष्ट्रीय पुनरुत्थान का एक भव्य इरादा था और राजधानी को साबी बुयेओ में स्थानांतरित कर दिया, जो समृद्ध थी और राष्ट्रीय नीति में बहुत लचीलापन था। यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक स्थान है, एक ऐसी प्राचीन संस्कृति के रूप में विकसित हुई जो मितव्ययी लेकिन थी 123 वर्षों के दौरान जर्जर, आकर्षक लेकिन फिजूलखर्ची नहीं। राष्ट्रीय शक्ति विकास और सक्रिय राजनयिक गतिविधियां। बागजे की अंतिम राजधानी के रूप में इसे साबी उर्फ सोबुरी कहा जाता था और राजधानी उन जिनसे यहाँ स्थानांतरित की गई वर्तमान गोंगजू 538 में राजा सेउंग का 16वां वर्ष शासन। इसके बाद 660 में राजा उइजा के शासनकाल का 20वां वर्ष। बैगजे साम्राज्य को सिला तांग द्वारा नष्ट कर दिया गया था मित्र सेनाएं और यह सिला के अधीन था और इसका नाम बदलकर बुयेओगन कर दिया गया। राजा ग्योंग बेओक 742-765 के शासनकाल के दौरान